हेमा मीणा मध्य प्रदेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा पर असिस्टेंट इंजीनियर हैं। उनको हर महीने 30,000 रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन हेमा मीणा टीवी देखती है 30 लाख की। और ये टीवी जो है वो साउथ कोरिया से इंपोर्ट करवाई गई है। हेमा मीणा के पास एक या दो नहीं बल्कि कई लग्जरी गाड़ियां हैं। लेकिन ये हेमा मीणा आखिर है कौन, जिसने मध्य प्रदेश के भ्रष्ट सिस्टम की तस्वीर एक बार फिर लोगों के सामने लाकर रख दी है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल लोकायुक्त की टीम हाल ही में भोपाल में असिस्टेंट इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी की। असिस्टेंट इंजीनियर जिनका नाम है हेमा मीणा, 30,000 रुपए सैलरी वाली हेमा के घर पर जब लोकायुक्त की टीम पहुंची तो उनके होश फाकते हो गए। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा भर्ती पर पदस्थ सब इंजीनियर हेमा मीणा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के अनुसार जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी मिली है। बता दें कि हेमा मीणा की सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए है, उसके बाद भी उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली है। आपको बता दें कि हेमा मीणा सब इंजीनियर ने अधिकतर संपत्ति अपने पिता के नाम से खरीदी है। इसके अलावा उनके पास एक आलिशान फार्म हाउस भी है। इस फार्म हाउस में 70 से 80 गाय मिली है। ये बता दें आपको कि 2020 में हेमा मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी, जिस पर अब कार्रवाई हुई है 2023 में। और 2023 में जब कार्रवाई हुई तो लोकायुक्त की जो होश थे वो फाकते हो गए, क्योंकि 30,000 रुपए की सैलरी वाली हेमा मीणा के पास आखिर इतनी अथाह संपत्ति कैसे हुई, ये किसी को अब समझ नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि छापेमारी में हेमा मीणा के ठिकाने से लोकायुक्त को कई लग्जरी गाड़ियां मिली है। हेमा मीणा के पास एक बंगला मिला है और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जो हेमा मीणा है वो अपने बंगले पर नौकरों से बात करने के लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करती थी, और वो नौकरों को जो है अपने आप को नौकरों के सामने आईपीएस ऑफिसर बताती थी। वहीं बता दें कि हेमा मीणा का जो ठिकाना था जहां पर छापेमारी की गई है वो भोपाल के बिलखिरिया में है, और उन्होंने अपने पिता के नाम से करीब 20,000 वर्ग फीट की जमीन खरीद रखी है। इस जमीन पर एक आलिशान बंगला बना हुआ है। वहीं भोपाल के अलावा रायसेन और विदिशा जिले में भी उनकी बेनामी दौलत का खुलासा हुआ है। वहीं जो जानकारी मिली है उसके अनुसार हेमा मीणा 13 साल से नौकरी कर रही है। 2016 में वो मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन पर संविदा भर्ती के जरिए जो है एक असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। वहीं ये भी बता दें कि हेमा मीणा का अपने पति से तलाक हो गया है, लेकिन फिलहाल लोकायुक्त की कार्रवाई जारी है। लेकिन इस कार्रवाई ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल मध्य प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर और सवाल मध्य प्रदेश के भ्रष्ट सिस्टम को लेकर। प्रदेश की सरकार भले ही कितने दावे करे कि प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, लेकिन हेमा मीणा जैसे कई सारे अधिकारी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर लोकायुक्त कार्रवाई करती है, जो एमपी तक भी प्रमुखता से दर्शकों को दिखाता है, और कार्रवाई में कई सारे जो अधिकारी हैं उनके पास से अथाह संपत्ति मिलती है। लेकिन एक बार फिर हेमा मीणा का जो मामला है वो सामने आने के बाद प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को रोकने के वादों और दावों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।